मतलब अदालती कार्रवाई खत्म हो गई है अभी और इंशाल्लाह देखें, जज साहब ने कहा मैं फैसला सुनाऊंगा, जाहिर बात तो सारा कुछ देखेंगे और प्रोसीजर और सारा कुछ एविडेंस वगैरह देखेंगे उसके मुताबिक जो फैसला। आप अदालती कार्रवाई से अब तक मुतमिन हैं? आपकी अदालती फैसले से क्या तवक्कुआत है? जो हमने तो जो कुछ मांगा है मैक्सिमम तारीफ में मांगी है, जो अक्यूज है सबके लिए हमारे जो प्रोसिक्यूशन ने और सबने बताया कि मैक्सिमम सेंटेंस जितने अक्यूज हैं उनको दिए जाए, अब वो जज साहब के फैसले पर है और हमें अदालत के और जज साहब पे पूरा भरोसा है और इंशाल्लाह जो है उन्होंने डिफेंस को पूरा मौका दिया और बहुत फेयर ट्रायल की, ठीक है ना। ओके थैंक यू। अदालती कार्रवाई के दौरान तफ्तीश के ऊपर भी काफी ज्यादा सवाल उठाए गए, आप तफ्तीश से मुतमईन हैं? हाँ बिल्कुल मुतमईन हूं। देखिए वो तो जाहिर बात है छोटी मोटी चीजें होती रहती है, डिफिकल्टीज होती है, वहाँ पर तो कोई हम जो है सुपर पावर तो नहीं है जहाँ पर हर जगह कंप्यूटर लगे हुए हर जगह ये है, डिफिकल्टीज हैं बहुत। शख साहब ड्यूरिंग ज्यादा उन पर वो है क्या नाम उसके प्रेशर है पुलिस के ऊपर, तो जाहिर बात है वो जितने मैक्सिमम उनसे हो सकता है विद इन द सर्कमस्टेंसेस वो कर सकते हैं। मैं भी हुकूमत के मुलाजिम एक बार पहले रहा हूँ, मुझे पता है जो बजट आप मांगते हैं उससे जो आपको एक्चुअली मिलता है तो 20% मिलता है, तो हर महकमे के ये मुश्किलात होती है, ठीक है ना, तो विद इन द लिमिटेशन पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। शौकत साहब ड्यूरिंग द ट्रायल आप पे भी बड़े संगीन किस्म के इल्जाम लगे, किरदार कुशी भी हुई, वो कितना मुश्किल वक्त था? मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन मुझे हमें अपनी बेटी पे 100% जो है यकीन है और वो बहुत नेक बच्ची थी, तो हमें इस लिहाज से हमें पूरा इत्मीनान था कि हमारी बेटी जो है वो कोई ऐसे इस चीज में मुलव्वस नहीं होगी, ठीक है ना। और ये जो चीज़ें प्रूव भी हो गई कि जो CCTV और दूसरी चीज़ों से कि उसका जो है उसको जो है होस्टेज रखा गया, उसको डिटेंशन में रखा गया, होस्टेज रखा गया और ज़बरदस्ती, और इन्होंने एक मिसाल भी दी थी कि आप मेरे ऑफिस में आते हैं, घर में आते हैं तो मेहमान, और मैं आपको होस्टेज रख लेता हूं, तो ये तो आप जो है खातून क्या करेगी, ठीक है ना। कितने ऐसे जो है एक जो खातून है उसके पास जो घर में भी आते हैं उसका तो एक हैंड बैग होता और कुछ नहीं होता, जैसे वो बोलते हैं कि लगेज था ये वो था, एक लेडीज हैंड बैग हो जाता है हर लेडी कैरी करती, वो कुछ नहीं था, CCTV वगैरह सब कुछ प्रूव हो गई है, तो इंशाल्लाह दुआ करें जल्द फैसला होगा। शुक्रिया, बहुत मेहरबान, आप सबका बहुत शुक्रिया।